नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार के प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। चमकी बुखार बना बच्चों के जान का दुश्मन, सदर अस्पताल मोतिहारी में भी भर्ती हैं 11 बच्चे। सदर अस्पताल शिवहर में नहीं है एईएस के मरीज, डॉक्टरों ने कर रखी है किसी भी परिस्थिति से निपटने की तैयारी। पश्चिमी चंपारण में चोरी की दो बाइक और दो लोडेड कट्टा के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार, कई कांडों में रही है संलिप्तता। बारिश न होने से लोग परेशान, केसरिया में अदा की गई इस्तिस्का की नमाज, रो रो कर मांगी गई बारिश के लिए दुआएं। इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली के गुलमोहर हॉल में दिखाया गया चंपारण के लाल विश्वजीत मुखर्जी द्वारा निर्देशित जॉर्ज ऑरवेल इन द लैंड ऑफ सत्याग्रह नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म। पश्चिमी चंपारण में एईएस से मृत बच्चों के परिजनों को सौंपा गया 4-4 लाख रुपए का चेक। मोतिहारी सदर अस्पताल में चमकी बुखार से पीड़ित 11 बच्चों का इलाज किया जा रहा है, वहीं एक को SKMCH मुजफ्फरपुर रेफर किया गया है। बीमार बच्चों की संख्या बढ़ने के कारण सदर अस्पताल मोतिहारी के नशा मुक्ति वार्ड को भी एडिशनल AES वार्ड बनाया गया है। सदर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर केएल गुप्ता के अनुसार नॉन AES बच्चे या वो बच्चे जो AES से रिकवरी कर रहे हैं उन्हें एडिशनल PICU वार्ड में रखा जा रहा है। चमकी बुखार सूबे के बच्चों के लिए जान का दुश्मन बना हुआ है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि शिवहर में अभी तक चमकी बुखार का कोई असर नहीं दिखा है। जानकारी के मुताबिक शिवहर सरोजा सीताराम हॉस्पिटल एवं सदर अस्पताल में डॉक्टरों की टीम के द्वारा चमकी बुखार के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है, ताकि कोई भी मरीज वहां आए तो उसे स्पेशल वार्ड में रखा जाए। डॉक्टर अनवर जमील ने बताया अभी तक एक भी चमकी बुखार का मरीज नहीं आया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के द्वारा एक टीम भी बनाया गया है, अगर कोई चमकी बुखार का रोगी आता है तो उसका इलाज किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले से वार्ड बना दिया गया है और दवाइयां उपलब्ध करा दी गई हैं। कि अभी आप देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं शिवहर सदर अस्पताल। हमारे पहुंचने के वक्त यहां मालूम चला है कि शिवहर में अभी एक भी चमकी बुखार से अभी पेशेंट नहीं आ पाया है। अगर डॉक्टरों की बात कही जाए, डॉक्टर तैयार है, मतलब पूरे तरीके से वे तैयार है कि अगर चमकी बुखार से अगर कोई भी यहाँ अगर पेशेंट आते हैं तो उनके इलाज के लिए। आप देख सकते हैं कि हम वार्ड में आ चुके हैं। यहाँ वार्डों का सीन हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी लगा हुआ बेड अभी खाली है, मगर अभी चमकी बुखार से अगर पेशेंट की बात कही जाए, अभी एक भी पेशेंट यहाँ नहीं आ पाए। अगर आते हैं तो उनके लिए काफ़ी डॉक्टरों का यहाँ व्यवस्था किया गया है। अगर यहाँ आप देख सकते हैं, इधर अगर बेड की बात कही जाए, यहाँ पे काफ़ी खाली बेड लगाया गया है और यहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा काफ़ी मतलब यहाँ तैनात, अगर दवाइयों की बात कही जाए, दवाई भी उपलब्ध करा दी गई है, तो काफ़ी यहाँ व्यवस्था देखी जा रही है। मेरा नाम है डॉक्टर अनवर जमील। सर आप बताइएगा, सर यहाँ चमकी बुखार से यहाँ एक भी मरीज आए हैं कि नहीं? जब से मैं ड्यूटी में आया हूँ तब से अभी एक भी मरीज नहीं आया है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताया जाए, सर चमकी बुखार के लिए सर यहाँ मतलब अस्पताल में मतलब क्या क्या चीज़ व्यवस्था किया गया? सब व्यवस्था है, दवाई जितनी भी चाहिए बच्चे के चमकी के लिए सब दवा है, सारा चीज़ व्यवस्था है। हाँ व्यवस्था है, बट डॉक्टर लोग पहले से ऑलरेडी रेडी है यहाँ? हाँ रेडी है, कोई भी पेशेंट आएंगे चमकी बुखार के लिए? हाँ, उससे सब तैयार है, सब तैयार है, पूरी टीम तैयार है, मेडिकल टीम जितनी है हम लोग की है ना, सब टीम तैयार है पूरी। शिवहर जिले में चमकी बुखार से संबंधित मामलों को लेकर समाहरणालय के सभा कक्ष में DM अरशद अजीज की अध्यक्षता में एक अहम बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर DM ने उपस्थित अधिकारियों व चिकित्सकों को निर्देश दिया कि इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाएं। बैठक में SDM सह प्रोग्राम पदाधिकारी मोहम्मद अफाक अहमद, सिविल सर्जन डॉक्टर धनेश कुमार सिंह सहित VDO, सभी चिकित्सा पदाधिकारी, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका आदि मौजूद थे। DM ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसके लिए आम आदमी से संपर्क कर चमकी बुखार के बचाव के उपाय बताएं। आगे उन्होंने कहा कि अधिकारी बराबर क्षेत्र में रहकर दिए गए कार्य का निर्वहन करते रहें। यह जानलेवा बुखार है और जागरूकता ही इस बीमारी का बचाव है।
पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय की पुलिस ने दो चोरी की बाइक, दो लोडेड कट्टा के साथ पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों की कई कांडों में संलिप्तता रही है। बदमाश शहर में किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से पहुंचे हुए थे। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार बदमाशों का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस इनका मोबाइल फोन जब्त कर कॉल डिटेल्स व अन्य अपराधियों से साठ गांठ का भी खुलासा करने में जुटी हुई है। पुलिस को यह उपलब्धि गुप्त सूचना पर वाहन जांच के दौरान मिली है। बेतिया SP जयंत कांत ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में DSP सदर, SHO टाउन, SHO कालीबाग के नेतृत्व में गठित टीमों ने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जो कि पूर्व में लूट के मामले एवं मोटरसाइकिल चोरी के मामलों में वांछित भी थे और इनके द्वारा जो है पूर्व में भी ऐसी घटनाएं की गई थी। इनके पास से दो देसी कट्टा, दो मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। इनसे जब फर्दर पूछताछ की गई तो इन्होंने अपने कई कांडों में मोटरसाइकिल में और जिले के बाहर कई अन्य कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण ने 23 जून तक सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय तथा कोचिंग सेंटर में शैक्षणिक कार्य स्थगित करने का आदेश दिया है। छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य हित को देखते हुए पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी रमन कुमार ने यह आदेश दिया है। उनके आदेश के अनुसार सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षक उपस्थित होकर अन्य कार्यों को संपादित करेंगे। केसरिया के कुंडवा मिडिल स्कूल के मैदान में बारिश नहीं होने से परेशान लोगों ने इस्तिस्का की नमाज अदा की, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। इसमें शामिल लोगों ने रो रो कर बारिश के लिए दुआएं की। नमाज मदरसा अंजुमन इस्लामिया रामपुर बैरिया के उस्ताद कारी जाहिद हुसैन नदवी ने पढ़ाई। और बारिश नाजिल फरमा दे, ऐ अल्लाह ऐसी बारिश नाजिल फरमा, ऐसी बारिश नाजिल फरमा जो नफा बख्श हो, नुकसान देने वाला नुकसान देने वाली ना हो, नुकसान देना हो, ऐ अल्लाह आजिलिन अभी के अभी बारिश नाजिल फरमा। इस दौरान उन्होंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ऐसी परेशानी आई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिस्का की नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगी थी, तो अल्लाह ने रहमत फरमाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस्तिस्का की नमाज जो है हम लोगों ने अदा की। बहुत दिनों से हम लोग परेशान थे, किसान परेशान थे, मजदूर परेशान थे, यहाँ तक के इलाके मोहल्ले के सारे लोग परेशान थे। बारिश नहीं हो पा रही थी तो हम लोगों ने मीटिंग रखी और इस मीटिंग के अंदर कुंडुआ, गोची, रामपुर बैरिया, बाड़ाडी, यहाँ तक के जिरात के लोगों ने, मुख्तलिफ लोगों ने जो है इसके अंदर शिरकत की और शिरकत के उन मीटिंग में ये बात आई कि हम लोगों को इस इस्तिस्का की नमाज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कहत साली पड़ी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इस्तिस्का की नमाज़ के ज़रिए से अल्लाह से मदद मांगी थी। उस वक्त जो है अल्लाह की रहमत जोश में आई थी और फिर अल्लाह की तरफ से रहमत की बारिश नाजिल हुई थी। लिहाजा इसी सुन्नत के ज़रिए से हम लोगों ने भी इस्तिस्का के नमाज के ज़रिए अल्लाह को मनाने का फ़ैसला किया और आज बतारीख 18, 19, 20 ये तीन दिन तय पाया है कि तीन दिन हम लोग जो है कुंडवा स्कूल के अंदर जो है इस्तिस्का की नमाज की अदायगी करेंगे और इंशाल्लाह इस इस्तिस्का की नमाज के ज़रिए से हम लोग अपने अल्लाह को ज़रूर राज़ी करेंगे, खुश करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और हमारा अल्लाह हमसे ज़रूर राज़ी होगा और राज़ी होकर जो है रहमत की बारिश ज़रूर नाजिल फरमाएगा। इसी वजह से हम लोग आज इकट्ठा हुए और आज ये पहला दिन है 18 तारीख। आज हम लोगों ने इस्तिस्का की नमाज़ अदा की है और दो दिन और नमाज हम लोगों को अदा करना है और हम तमाम लोगों को उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ज़रूर रहमत की बारिश नाजिल करेगा और बारिश नाजिल करने के बाद ये दरिंदे परिंदे, इंसान, किसान, मजदूर, जो लोग भी परेशान हैं, यहाँ तक कि ज़मीनें भी मुर्दा हो गई हैं, ज़मीन के अंदर भी जान आ जाएगी और हम लोगों के अंदर मोहल्ले, कस्बे, इलाके में खुशहाली आएगी। अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है, अल्लाह रहमत की बारिश नाजिल फरमाए। जॉर्ज ऑरवेल की जन्म स्थली पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म को सोमवार की शाम दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर स्थित गुलमोहर हॉल में दिखाया गया। वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता विश्वजीत मुखर्जी के द्वारा निर्देशित
30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म जॉर्ज ऑरवेल इन द लैंड ऑफ सत्याग्रह को देखने देश के कई वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार एवं कुछ विदेशी मेहमान भी उपस्थित थे। जॉर्ज ऑरवेल इन द लैंड ऑफ सत्याग्रह नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म न केवल लेखक के जन्म स्थान के इतिहास एवं मौजूदा हालात को दर्शाती है, बल्कि एक बहुत बड़े सवाल का जवाब भी तलाशने में सक्षम रहती है। वह सवाल है कि आखिर महात्मा गांधी के कर्म भूमि में एक अंग्रेज के जन्म स्थान को संवारना कितना उचित है। अब से कुछ देर बाद इस फिल्म को एसटीवी न्यूज पर भी दिखाया जाएगा, जिसे आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 पर देख सकते हैं। पश्चिमी चंपारण जिले में एईएस बीमारी से मृत दो बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का चेक अंचल प्रशासन द्वारा सौंपा गया। जानकारी के मुताबिक जिले के लौरिया प्रखंड के गनौली निवासी राकेश बैठा के 3.5 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार तथा मझौलिया प्रखंड के चैनपुर बहुरवा निवासी भागीरथ शाह की 1 वर्षीय पुत्री बिट्टू कुमारी की मृत्यु एईएस से विगत 15 जून को मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान हो गई थी। उक्त राशि का चेक लौरिया तथा मझौलिया के अंचलाधिकारी के द्वारा मृतकों के परिजनों को सौंपा गया। शिवहर जिले में मुस्लिम आरक्षण मोर्चा के जिलाध्यक्ष का चुनाव किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने पद देकर जिले की जिम्मेदारियां सौंपी। इस अवसर पर महासचिव मोहम्मद आजम शेख, जिला अध्यक्ष मोहम्मद रियाजुद्दीन, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद इश्तियाक को मुस्लिम आरक्षण मोर्चा बिहार का पद दिया गया। इस दौरान राष्ट्रीय संयोजक परवेज सिद्दीकी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मोर्चा के मेहनत, लगन, निष्ठा और समर्पण को देखते हुए आपको मुस्लिम आरक्षण मोर्चा बिहार के इस पद पर नियुक्त किया जाता है। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपके नियुक्ति से मोर्चा और मजबूत होगी और आप मोर्चा का सिद्धांत जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताजा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज को लाइक करें और ट्विटर के लिए फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट को देखने के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एचटीवी न्यूज। सच की आवाज। नमस्कार।